सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो इस ड्रेस को जो अभी मैं कैरी कर रही हूँ, उसको बार बार पहन के आने का बस मेरा एक ही मकसद होता है, क्योंकि आप लोग देखोगे तो हर दूसरे वीडियो में मैं सेम ड्रेस यही वाली पहन के आती हूँ। तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप लोगों को मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ, चाहे वो मेरे शब्दों से हो, मेरी जर्नी से हो, मेरे पास्ट से हो, या फिर मेरा जो आने वाला मतलब फ्यूचर है उससे हो। तो सारी चीज़ों से मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट रखना चाहती हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेट हो। तो इस ड्रेस को देख के काफ़ी लोग बोलते हैं कि SBI का लोगो बना हुआ है, लोगो बना हुआ है। तो जी हाँ, सही आपने पकड़ा, और SBI का नोटिफिकेशन शायद आने वाला है, जैसा कि हर जगह पैसा सुनने को मिल रहा है। तो बस आप लोग मोटिवेट रहें और प्रिपरेशन करते रहें। तो काफ़ी लोग जानते हैं, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, कि जब मेरा स्टेट बैंक का रिजल्ट आया था, अक्टूबर नवंबर की बात है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि मेरा एज कलर का लैप्स हो चुका था। और उसके बाद क्योंकि मैंने पूरी जो 2013 से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, और 2020 तक मैंने बस कलर के लिए प्रिपरेशन किया, मैंने कभी भी खुद को PU लाइक समझा नहीं। तो मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रो रही थी। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, वो उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद की भी आप सारी मेरी वीडियो देखना, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि मेरा जो थिंकिंग था वो किस टाइप का था। उसके बाद लगातार, और लेकिन मैंने कभी भी लगातार मैंने हमेशा प्रयास रखा, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा नहीं होगा या फिर कुछ भी। मतलब मैं लगातार पढ़ते रह गई, चाहे कितने भी फेलियर्स हुई, मतलब कि मैंने करीब 70+ एग्ज़ाम दिए हैं, 70-80 एग्ज़ाम दिए हैं। और काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि इतना ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा साल और एंड ऑल डैट, तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, और ना ही अभी भी अपने आप को मानती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, डैट्स वाई मुझे इतने साल लग गए। अब बात आती है कि जैसे कि पढ़ाई के पीरियड में बहुत टाइम ऐसा आता है कि इंसान सोचता है कि यार छोड़ देता हूँ, कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं बताती हूँ कि कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक दिन प्रोविजनली ऑफिसर बन जाऊंगी। मैंने हमेशा कलर की प्रिपरेशन की, तो मैं क्यों बन गई, इसके पीछे एक ही रीज़न था कि मैं रस्सी के कोने के सिरों को पकड़ के मैंने छोड़ा नहीं। मतलब मेरी सारी होप ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना होप, मतलब जिसमें मेरा होप नहीं था उसको भी मैंने पकड़ के रखा। कहने का मतलब ये है कि निरंतर पढ़ाई करो, कभी भी दुनिया चेंज हो सकती है। बस एक सेकंड लगा, रिजल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन आया हो और दुनिया बदल गई, वो कब बदलेगी, जब आप कंटिन्यूस मेहनत करोगे। अगर आप कंटिन्यूस मेहनत नहीं करोगे तो ये थोड़ा क्या इम्पॉसिबल टास्क ही है। तो कंटिन्यूस मेहनत करो, कभी भी खुद को एक जगह रोक के मत रखो। अगर फेल हो गए तो रोते मत रहो कि हाँ मैं फेल हो गया, कैसे होगा, क्या होगा, या फिर कुछ भी जो आपके पढ़ाई को इम्पैक्ट डालती हो, वो सारी बातें आप लोग मत सोचना। अच्छा, और निरंतर प्रयास करना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा दो रिजल्ट हो गया, प्रोविजनरी ऑफिसर, और मैं सच कहती हूँ, मैंने जिस तरह का कलर का प्रिपरेशन किया था वैसा मैंने PO के लिए नहीं अपना दिया था। मैं कभी भी अपने वीडियो में झूठ नहीं बोलती हूँ। कलर के मेंस के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ती थी, मतलब एकदम पढ़ते ही रहती थी कंटिन्यूस। लेकिन PO के टाइम में मैंने उतना अपना आउटपुट नहीं दिया था, मैंने बहुत थोड़ा सा ही लगाया था, और मेरा हो गया। क्यों हो गया, क्या ये किस्मत की वजह से हुआ, क्या मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, नहीं, इस वजह से नहीं हुआ। वजह ये थी कि मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल था, यहाँ पे हर चीज़ था, ठीक है।
बस कमी थी राइट समय की। जब मेरा लिखा था कि 2021 में ही तेरा होगा और मैं अगर 2020 में छोड़ देती, 2019 में छोड़ देती तो 2021 में मेरा नहीं होता। हर चीज़ लिख के आया है कि तेरा जॉब कब होगा, हमें उस वहाँ तक पहुँचना होता है, ठीक है। अगर बीच में छोड़ दिया तो वो भगवान की गलती नहीं, आपकी गलती है। क्या पता आगे उसने लिखा हो कि तेरा नौकरी होने वाला है इस ईयर में। तो वही बात है कि कभी भी गिव अप नहीं मारने का, जब तक एज है तब तक ट्राई करने का। अगर 29 पे हो, बॉर्डर पे हो, लास्ट अटेम्प्ट है तो भी अपना ट्राई करने का, क्योंकि अंत भला तो सब भला। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, अंत भला तो सब हुआ, मेरा मजाक उड़ाया गया मुझको, मतलब किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं। अभी जो कैमरे के सामने आपको दिखता है कि बहुत लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग जो कैमरे पे मुझे सपोर्ट करते हैं वो कैमरे के पीछे मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो हर चीज़ मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला या फिर, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान जब सक्सेसफुल हो जाता है तो चीज़ों को धीरे धीरे वो भूलने लगता है, ठीक है। तो मतलब सक्सेस के पहले तो वो ज़रूर सोचता है कि एक बार अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो फिर मैं इसका बदला लूँगा, लेकिन जब वो सक्सेस हो जाता है ना तो उसकी थिंकिंग, उसकी थॉट प्रोसेस सब चेंज हो जाती है। तो वही बात है कि काफ़ी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर बहुत सारी निगेटिविटी होती है, लेकिन आपको, आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप कंटिन्यू करो या तो आप छोड़ दो। छोड़ दोगे तो आगे अगर लिखा होगा तो नहीं होगा, अगर कंटिन्यू रखोगे तो हो सकता है कि उस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ के भी नहीं जाओ और आपका हो जाएगा। तो प्रिपरेशन अपनी इतनी अच्छी रखनी चाहिए, मेरी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी 8 सालों के अंदर, इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी कि मैंने PU के लिए उतना ज़्यादा नहीं किया था जितना मुझे करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे सक्सेस मिल गया, क्योंकि यहाँ से जो था ना ये मेरा काम आ गया। तो वही है, ये वाला अपना हमेशा चालू रखो, हमेशा पढ़ते रहो, यहाँ पे नॉलेज फीड करते रहो। कब की नॉलेज कब काम आ जाए कोई नहीं जानता, कब भगवान आपके किस्मत का ताला खोल दे कोई नहीं जानता है। तो निराश मत होना, आगे बढ़ते रहना, आगे एक एक पड़ाव पार करो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दसवां, 100 एग्ज़ाम भी फेल हो जाओ तो भी हो सकता है 101वां एग्ज़ाम में आप सक्सेस हो जाओ। और इंसान अगर 6 मंथ में, 1 साल में 4-10 एग्ज़ाम दे के पास करता है ना, वो खुशी नहीं मिलती है। मुझे देख लो कि 8 साल मुझे लगता था कि, मतलब लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, समझेंगे लोग मुझे, समझेंगे कि कैसी लड़की थी, 8 साल लगा दी। लेकिन आप देखो कि भगवान ने मुझे क्या क्या दे दिया, चुन चुन के मुझे दिया। जितना भी मैंने स्ट्रगल किया, जितना भी मैंने लोगों की बात सुनी, कई बार अकेले पड़ जाता है इंसान, अकेले रोता है लेकिन किसी से शेयर नहीं करता है। तो हर जो भी मैंने तकलीफें झेली उसका फल भगवान ने इतना अच्छा दिया, मेरा YouTube भी अच्छा खासा चल गया, फिर से मेरा 2-2 जॉब हो गया, और इतने सारे मतलब ब्लेसिंग्स मुझे मिल रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स की मम्मी मुझसे बातें करती है, अपनी बेटी समझती हैं। तो वो जो 8 साल था ना, उसमें उसका निचोड़ मुझे इतना अच्छा मिला है, इतना अच्छा मिला है कि जो पीछे का मेरा पास्ट था वो सब मैं भूल गई हूँ। तो वही है, जितना ज़्यादा आप तकलीफ़ करोगे, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना, जितना ज़्यादा आप तकलीफ़ करोगे, जितना ज़्यादा आप फेलियर्स होगे, सक्सेस का मज़ा उतना ही भयंकर होगा और उतना ही मज़ा आएगा सक्सेस का। और जीत का मज़ा तभी आता है जब सारे इंसान, आपके फैमिली वाले, आपके आस पड़ोस के ये मान जाए कि आपकी, तुम्हारी हार पक्की है, तभी जीतने का मज़ा है। ऑल द बेस्ट गाइस।